हरियाणा के रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट पर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वो माउंट एवरेस्ट पर 24 घंटे रुकने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो वो नेपाल बाबूश्री शेरपा के 21 घंटे के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पाएंगे। हरियाणा के हिसार में रहने वाले रोहतास खिलेरी करीब 100 दिन बाद माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 24 घंटे रहने का रिकॉर्ड बनाने का मिशन शुरू करेंगे। अभी तक माउंट एवरेस्ट पर 21 घंटे रुकने का ही रिकॉर्ड है, जो नेपाल के बाबूश्री शेरपा के नाम है। रोहतास खिलेरी ने अपने मिशन को प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी नाम दिया है, जिसके जरिए रोहतास खिलेरी भारत की तरफ से पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देंगे। रोहतास खिलेरी इससे पहले 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। पिछले साल यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन गाइड की हालत खराब होने की वजह से रोहतास खिलेरी को अपना मिशन रोकना पड़ा था। पिछले साल भी उन्होंने नेपाल सरकार से माउंट एवरेस्ट मिशन के लिए परमिशन मांगी थी। उस दौरान कोरोना महामारी की वजह से नेपाल ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब उन्हें इसके लिए इजाजत मिल गई है। चोटी पर -60 से -70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। रोहतास खिलेरी के नाम दुनिया की कई पर्वत चोटियों को फतह करने की कामयाबियां दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक संयुक्त जनसभा हुई थी, जिसमें अचानक से स्टेज टूटने के बाद भगदड़ के हालात खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक संयुक्त जनसभा के दौरान मंच की रेलिंग टूटने से भगदड़ मच गई। अलीगढ़ के इगलास में हो रही रैली में मंच के टूटते ही स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते नजर आए। इस भीड़ में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी भी बुरी तरह से फंसे नजर आए। इस अफरा तफरी के बीच मंच पर रखे स्पीकर्स भी नीचे खड़े लोगों पर गिर गए। वीडियो में मंच टूटने के दौरान मची भगदड़ के बीच कुछ अनाउंसमेंट भी सुनाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक भीड़ के मंच पर चढ़ने की कोशिश से मंच पर लोड बढ़ गया, जिसके बाद मंच की रेलिंग टूट गई। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसी रैली में शामिल होने वाले थे, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो वर्चुअल रैली कर रही हैं। इसराइल के यरूशलेम शहर में क्रिसमस के मौके पर एक सेंटा ऊंट पर बैठा दिखाई दिया, जिसे बच्चों को गिफ्ट बांटे हैं। एक मिनट में पूरी खबर और तस्वीरें देखिए आप। इसराइल के यरूशलेम में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लोग क्रिसमस मनाना नहीं भूल रहे हैं। किसी भी तरह लोग डर और मायूसी बाहर निकालना चाह रहे हैं। सेंटा के कपड़े पहने एक व्यक्ति ने यरूशलेम की ओल्ड सिटी की दीवारों के साथ और जाफा गेट के जरिए एक ऊंट की सवारी की, जहां सेंटा ने लोगों को क्रिसमस ट्री गिफ्ट किए। लोगों को उम्मीद है कि इस बार क्रिसमस उनके लिए खुशियां जरूर लेकर आएगा और इस बार उनकी छुट्टियां बर्बाद नहीं होंगी। हालांकि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, तभी से इस क्षेत्र में पर्यटकों के आने की संख्या बेहद कम हो गई है। दिसंबर के महीने में इसराइल ने विदेशी यात्रियों के आने पर 14 दिन की पाबंदी लगा दी थी, ताकि ओमिक्रॉन संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हॉस्पिटैलिटी कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक उनके लिए जाने वाला 2021 भी बेहद खराब रहा, क्योंकि उड़ानें पूरी तरह बंद रहीं। कोरोना महामारी के दौरान इसराइल के अधिकतर शहर मंदी की मार झेल रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.